अब बात करते हैं एक और बड़े मसले, अब बात ज्ञानवापी केस की, ज्ञानवापी मस्जिद के जुड़े श्रृंगार गौरी केस को लेकर चुभने वाली बयानबाजी खूब हुई, लेकिन असल अहमियत कोर्ट के भीतर दी गई दलीलों की होगी। किस पक्ष की दलील में कितना दम है, ये बात कल साफ हो जाएगी। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत इस केस में कल फैसला सुनाएगी। आज अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा। वाराणसी में गुरुवार को जब दोपहर दस्तक देगी तो कोर्ट के सबसे बड़े फैसले का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत दोपहर 12 बजे ज्ञानवापी मस्जिद के श्रृंगार गौरी केस में अपना फैसला सुनाएगी। मस्जिद में अब आगे सर्वे होगा या नहीं, इस पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। ये फैसला कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर भी आएगा। मस्जिद से जुड़ी कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की है। वहीं याचिकाकर्ता की मांग है कि मस्जिद में जाने के लिए ताले को खुलवाया जाए। 6 मई से अदालत के आदेश पर सर्वे का काम शुरू हुआ था। इसके एक दिन बाद 7 मई को प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कोर्ट पहुंची थी और अदालत से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। एबीपी गंगा से बातचीत में एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, अब बाकी कोर्ट पर निर्भर करता है। मैं कुछ नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं न्यायालय नहीं हूं, न्यायालय अपना कार्य करेगा। आप पे आरोप लग रहे हैं लगातार कि आपने पक्षपात किया, आपका क्या कहना है? मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, मैंने सद्भावपूर्वक निष्पक्ष ढंग से कार्य किया है। आप अंदर जब गए तो आपने क्या देखा? अजय जी आपने अंदर क्या देखा, कितना किया? कुछ मत पूछिए। कुछ रिपोर्ट अभी तक आपने रिपोर्ट सबमिट की इसकी? अभी तो सबमिट नहीं की है मैंने कुछ। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर पर आरोप लगाया था कि वे ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों को खुरच कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमेटी ने ये भी कहा कि एडवोकेट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है। साथ ही अदालत में दाखिल याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ये भी कहा कि मस्जिद के भीतर सर्वे का आदेश साफ नहीं है और इन निर्देशों को लेकर ये नहीं माना जा सकता कि मस्जिद के हिस्से का इस तरह से जायजा लेने को कहा गया है जैसा एडवोकेट कमिश्नर ने परिसर के भीतर जाकर किया। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे को जारी रखने की मांग की गई है, इसलिए अब सबकी नजर अदालत पर टिकी है कि आखिर फैसला क्या आता है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। कल 12 बजे के बाद इसका फैसला आएगा। हिंदू पक्ष यानी वादी और मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट ने सुन लिया है और अब इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। बुधवार को पूरे 2 घंटे तक जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, इसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब गुरुवार को ये साफ हो जाएगा के मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे जारी रहेगा या नहीं और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा बने रहेंगे या अदालत की तरफ से कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट।